मेरे आलू जो है ना वो बहुत ही तेज़ गर्म हो रहे हैं। फिलहाल मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो, तो एक ये बैग है मेरा, तो ये पराठा बन चुका है। आए पराठे एंड मौसम। यहाँ से हम लोग जाते थे अंदर और गिटार सीखते थे। हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफियन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये ब्लॉग मैं शूट कर रही हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ घर वापस। एज यू कैन सी कि मैंने पैकिंग कर ली है, मेरे दो बैग और एक वैसा जो बैग होता है हैंड बैग वो भी मैंने ले लिया है, और कुछ सामान मेरा मिल नहीं रहा है तो वो मैं ढूँढूँगी। एंड से मैं ऐसे क्यों देख रही हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, और सबको क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप लूँगी घर जाने तक का, आलू के पराठों का छोटा छोटा क्लिप लूँगी घर जाने तक का। घर जाने तक मैं वीडियो शूट करूँगी, ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो कीप वॉचिंग गाइज। मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। कोई आया है दरवाजे पर, खोल देंगे कोई, तो मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ, क्योंकि यूजुअली सब लोग की जो आलू के पराठे की रेसिपी होती है वो ज़्यादातर सेम ही होती है। तो मैंने सोचा कि इसी ब्लॉग में मैं ये कवर कर दूँगी कि मैं ये आलू के पराठे कैसे बनाती हूँ। तो प्रिंस आ चुका है एंड बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है कि कब आलू के पराठे मिलेंगे इसको। खाने हैं, जल्दी खाने, जल्दी बना दूँगी ऐसे। नहीं तेज़ गर्म हो रहे हैं, जैसे कि मैंने धुआं दिखाया इसमें से, दिख रहा है? तो मैं इसको थोड़ी देर में छीलूंगी, तब तक ठंडा हो जाएगा ये। बाकी सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, यू कैन सी मैंने प्याज दिए हैं यहाँ पे बारीक कटे हुए, धनिया मिर्च हरी मिर्च आटा, और बाकी जो मसाले में डालती हूँ मैं दिखा दूँगी, ठीक है? अभी फिलहाल मैं एक चीज़ दिखाती हूँ जो आप ही ने मेरे कपड़े बनाए हैं, कुछ मैं वो लोग जो मैं लेके जा रही हूँ, जो मैं बगैर सिल लेकर आई थी बट अब सिलवा लिए हैं मैंने। ये पैकिंग है मेरी, तो मैं दिखाती हूँ कि क्या है, और बाकी डिटेल वीडियो मैं बनाऊँगी इसके ऊपर इंशाल्लाह। इसी में ये देखो मास्क बनाया है, ये मेरे जीजू ने मास्क बनाया है। तो एक ये सूट है मेरा रेड और येलो कलर का, इसका दुपट्टा है ऑरेंज, पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये खीए वाला सूट बनवाया है मैंने, और एक खीए वाला, ये भी येलो ही है, देखो कितना प्यारा है, दिखाऊंगी इसको मैं। ये बड़ी मुश्किल हाथों से बना है यार, बहुत ही एडजस्ट वर्जस्ट करके, कपड़ा का थोड़ी दिक्कत हो गई थी इस वाले सूट में। एंड एक बनवाया है मैंने ब्लैक कलर का सूट, जो मैंने आपको दिखाया इस वाले ब्लॉग में। तो ये बनवाया है मैंने तीन जोड़ी कपड़े, मैं रख देती हूँ। तो मेरी पैकिंग जो है वो हो चुकी है, लगभग सब पैक मैंने कर लिया है। मास्क कितना क्यूट है ना, ये जीजू ने बनाया है, सेम जो कपड़े का सूट है उसी कपड़े का मास्क। तो तैयारी मेरी हो चुकी है, मैं शाम को निकल जाऊंगी, अभी मैं फ्रेश भी नहीं हुई हूँ, फ्रेश होंगी मैं। मैंने सोचा कि पहले पराठे बना लेती हूँ उसके बाद ही फ्रेश होंगी, क्योंकि फिर से मुझे पसीना आ जाएगा नहा लेती तो, पता नहीं फोन। तो एक ये बैग है मेरा, और मेरे पता नहीं कुछ कपड़े मिल ले रहे हैं, वो मैं ढूंढूंगी कहाँ पर हैं। तो अभी देखते हैं आलू ठंडे हुए कि नहीं, आलू ठंडे हो गए होंगे तो, मेरा फ़ोन पड़ा है यहाँ पे, उसके बाद मैं नहाऊंगी और घर जाते तक ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा। चलो चलते हैं आलू के पराठे बनाने। प्रिंस टीवी देख रहा है, बैक
ठंडे हो कि नहीं, अभी भी गर्मी है यार ये। चलो मैं छील लेती हूँ, लेट हो जाएगा नहीं तो। ये आधा छील के छोड़ दिया था मैंने क्योंकि बहुत ही तेज़ गर्म था। आलू की खूबसूरती देखो आप करीब से। कितना अच्छा फोकस है ना इस कैमरे का, बहुत अच्छा फोकस है, मोबाइल कैमरा ही है मेरा। चलो बनाते हैं। यहाँ पर जो आटा लिया है ना वो गेहूं का ही आटा है, और गेहूं के आटे में मैंने डाली है अजवाइन, नमक और ऑयल, और इसे पानी से गूंदा है। और मेरा यहाँ पे आलू का भी हो चुका है आलू का। और मैं एक टिप दूंगी आपको यहाँ पर कि अगर आपके पास आलू मैशर नहीं है ना तो आप आलू को अच्छे से मैश कर सकते हैं विद, दिखाती हूँ। इसके साथ मैं मैश करूँगी आलू को, ऐसे आलू को रखूँगी यहाँ पे। और अगर जैसे गर्म होता है ना आलू और हमें जल्दी होती है, जैसे कि मुझे है अभी जल्दी क्योंकि मुझे निकलना भी है घर के लिए, तो मुझे तो मैं हाथ ना जले मेरे क्योंकि आलू गर्म है। जब ठंडे हो जाते हैं आलू तब तो आप आसानी से हाथ से तोड़ ही सकते हो, बट हाथ से अच्छे से इससे हो जाता है। तो आप आलू को इस तरह से तोड़ सकते हो। मैं पूरे ही एक साथ तोड़ दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं है। तो अब यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक। अचार का मसाला और गरम मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं, मैं डालती हूँ बट अभी अवेलेबल नहीं है, शॉप पे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे नमक और मिर्च डाल दी है, जो प्याज ली थी कटी हुई वो डाल दूँगी, और हरी मिर्च और धनिया जो लिया था वो डाल दूँगी। बहुत ही आसान है यार ये, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी जो है अलग से शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें ही ब्लॉग में ऐड कर दे रही हूँ। बस इसको डाल के मैं इसको मैश कर लूँगी। कितना डिलीशियस लग रहा है ना। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, सिर्फ 1 चम्मच नमक और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैमरा जो है ऐसे सेट कर दिया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे आलू जो है कैसे आटे में भरती हूँ। तो मैं इतना ये ले लेती हूँ एक अमाउंट, क्योंकि आलू के पराठे तो बड़े ही बनते हैं आटे का, थोड़ा सा ले लेती हूँ यार। ठीक है, पेड़ा ऐसा बनाने के बाद कई लोगों का कई तरीके होते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसा मैंने देखा है कई लोगों के कई तरीके होते हैं आलू भरने के। मैं अपना तरीका आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बनाना है। तो हमने यहाँ पे जो मसाला रेडी किया था अभी देखिए, ऐसे करते हुए ना आपको यहाँ पे इसकी एक कटोरी बना लेनी है इस टाइप की। फ्रेंड्स को आवाज़ दे रही है, तो ऐसे करके देख रहे हो, ऐसे करते 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 ऐसे बना लेना है। एंड अब ये ऐसा कुछ आ गया हमारे पास, अब हमें लेना है इसमें भर के हमारा मसाला। ये देखो मैं मसाला ज़्यादा ही लेती हूँ, मज़ा आ जाता है आलू के पराठे में जब तक आलू ना हो बहुत ज़्यादा। तो अभी देखो इस तरह से करके आलू भर ना निकले इसलिए हम इसको बंद कर देंगे बिल्कुल। आटे को इस तरह से कर दीजिए, देखिए मैंने बिल्कुल लॉक कर दिया इसको। थोड़ा बहुत निकलेगा भी तो कोई बात नहीं, अभी तो मुझे जल्दी से। एंड अब ये इसमें आलू भर गया है, मैं अब आटे में ऐसे डिप करूँगी इसको। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. देखो गाइस मेरा पराठा टूटा नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ से ना तो होता ही आलू का पराठा, बट ऑल ओके है। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow.
sun rays and नहा लिया है और हम पी रहे हैं चाय और पराठे आलू के जो मैंने बनाए और मौसम देखो ऑसम, कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार। और इस मौसम में चाय मीठी हो गई ना, चाय पराठा तो खिला, कितना प्यार करती है मेरी बहन है। देखो मौसम, बादल कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. मैं रेडी हूँ अब घर जाने के लिए और मुझे मेरा रूम में बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे मेरा रूम देखना है कि क्या हाल कर रखा होगा मेरी बहनों ने। और जीजू मुझे बाइक से पहले ऑटो तक छोड़ देंगे और फिर मैं ऑटो से घर चली जाऊँगी। कितनी अच्छी लड़की हूँ मैं ना जीजू। ओके, साथ में आ रहे हैं हम। नीचे अंधेरा हो गया। शिट, प्रिंस और सिम्बी नीचे है ना। शाम हो गई, अंधेरा। प्रिंस, सिम्मी, इनसे मिल लूं फिर कहेंगे मिली नहीं। सिम्मी, प्रिंस, जा रही हूँ मैं। देखियो कि मैं इसे क्या मैं इसे पाए। चलो भाई, घर की तरफ निकल गई हूँ मैं अब। यहाँ से हम लोग जाते थे अंदर और गिटार सीखते थे। हाँ, मुखर्जी नगर। गाइस, आ गई मैं अपने घर वापस। और देखो, आते ही मैंने क्या देखा यार। यार मैं 4 दिन घर से बाहर रही, ये देखो क्या हो गया। वेरी डिसअपॉइंटेड यार, पूरी लीव्स ख़राब हो गई यार इसकी तो। और देखो एक ही नहीं है, देखो पूरा पौधा मुरझा गया यार। पानी नहीं डाला इन्होंने, क्या नहीं किया पता नहीं। बोल के गई थी मैं कि पानी डालना, इसमें गुस्सा आ रहा है मुझे। पौधा मेरा ये वाला तो ठीक है, मनी प्लांट। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन जो हो रही थी वो इसी की हो रही थी। एंड मैं अभी घर वापस आई हूँ, जस्ट बैग ही रखा है लाकर। चलिए चलिए गाइस, बस मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और मैं देखती हूँ मेरे पौधों का मैं क्या कर सकती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए बस मैं ख़त्म कर रही हूँ इस वीडियो को। दैट्स इट, आराम करूँगी, थक गई हूँ।
एंड मैं मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए चल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।